नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सृजन घोटाला मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 3 महिलाएं गिरफ्तार, पूछताछ जारी। सीबीआई ने सृजन घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की है। भागलपुर के सबौर से 2 और साहेबगंज से 1 महिला को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिलाओं में मोहम्मद शकील अहमद की पत्नी जसीमा खातून, समर समरेंद्र की पत्नी रजरानी वर्मा और अभिषेक कुमार की पत्नी अर्पणा वर्मा शामिल है। गिरफ्तारी के बाद तीनों महिलाओं को पटना लाया गया, जहां तीनों महिलाओं से पूछताछ की जा रही है। सृजन विकास सहयोग समिति की कार्यकारिणी में तीनों महिलाएं शामिल थे। अगस्त महीने में भी सीबीआई की टीम राजरानी, अर्पणा वर्मा और जसीमा खातून के घर पहुंची थी, लेकिन इस बात की भनक मिलने के बाद तीनों महिलाएं मौके से फरार हो गई थी, जिसके बाद 29 नवंबर की देर रात सीबीआई की टीम ने एक बार फिर तीनों महिलाओं के घर पर छापेमारी की, जहां से तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों को पटना लेकर सीबीआई की टीम पहुंची है, जहां पूछताछ की जा रही है। सृजन घोटाला का यह मामला 1.36 करोड़ 93 लाख रुपए से अधिक का है। सरकारी राशि को सृजन विकास महिला सहयोग समिति लिमिटेड के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। इस मामले में सीबीआई ने पहले ही बीजेपी नेता विपिन वर्मा, उनकी पत्नी रूबी शर्मा, घोटाले का मास्टरमाइंड पीके घोष, ऑडिटर पूर्णेंदु कुमार को गिरफ्तार किया था। विधान परिषद के सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों से की बदसलूकी, विपक्ष के प्रदर्शन का कवरेज करने से रोका। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य विधान परिषद पोर्टिको के उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब पत्रकारों को सुरक्षा कर्मियों ने धक्के देकर निकालना शुरू कर दिया। लगभग 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के ठीक पहले विपक्ष प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कर रही थी। पोर्टिको में हो रहे इस प्रदर्शन को पत्रकार भी कवर कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को यह बात नगवार गुजरी। उन्होंने सदन पोर्टिको से धक्के देकर पत्रकारों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस दौरान कई पत्रकारों को चोटें भी आई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ पत्रकारों का कैमरा और मोबाइल भी टूट गया। इससे नाराज पत्रकार वहीं धरने पर बैठ गए। बिहार में शराब तस्करी को रोकने को सड़क से नदियों तक ड्रोन से होगी निगरानी। हर 50 किलोमीटर पर तैनात रहेगी गश्ती दल। शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर मद निषेध विभाग ने बड़े एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। शराब की तस्करी रोकने को हर 50 किलोमीटर पर गश्ती दल की तैनाती की जा रही है। नाव और मोटर बोट से नदियों में भी पेट्रोलिंग शुरू की गई है। यह जानकारी सोमवार को उत्पाद आयुक्त बी कार्तिके धनजी ने संवाददाता सम्मेलन में दी है। बता दें कि यह गश्ती दल सड़क से लेकर नदियों तक शराब की तस्करी पर गहरी नजर रखेगा। नदियों से की जा रही शराब तस्करी को रोकने वाले गश्ती दल को विशेष रूप से नाव और मोटर बोट दिया जाएगा। अवैध शराब कहां बनाई जा रही है, इसका पता ड्रोन से लगाया जाएगा। वहीं उत्पाद आयुक्त ने बताया कि छापेमारी अभियान तेज करने और विभाग को सशक्त बनाने के लिए बिहार पुलिस विभाग से 3 DSP, 11 इंस्पेक्टर, 104 दरोगा और 244 सिपाही की प्रतिनियुक्त का निवेदन दिया गया है। साथ ही पुलिस विभाग में प्रतिनियुक्त होमगार्ड और सैप बलों को आवश्यकता अनुसार मद निषेध विभाग में वापस प्रतिनियुक्त की जा रही है। जमीन खरीद बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है नीतीश सरकार। विधानसभा के मौजूदा सत्र में पेश होगा विधेयक। बिहार सरकार में जमीन की खरीद बिक्री को लेकर अब बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ने की तैयारी में है। राज्य में जमीन की खरीद बिक्री के साथ नक्शा भी अब बदल जाएगा। इसके लिए सरकार स्पेशल म्यूटेशन शुरू करने जा रही है। सरकार की तरफ से इसके लिए कानून में आवश्यक बदलाव भी किया जाएगा और इससे जुड़े विधेयक सरकार विधानसभा के मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान पेश करने वाली है। सरकार की तरफ से बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक सदन में पेश किया जाएगा। इसमें विधेयक के पास होते ही व्यवस्था में बदलाव हो जाएगा। नई व्यवस्था में खरीद बिक्री होने के साथ आमिन प्लॉट पर जाकर भू नक्शा सॉफ्टवेयर से संबंधित प्लॉट के खरीदार के मुताबिक उसका विभाजन कर देगा। उसका प्री म्यूटेशन स्केच बनाकर अंचल में इस काम के लिए बाकी की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसके साथ ही जमाबंदी के आंकड़ों में परिवर्तन हो जाएगा। एक जमीन की खरीद बिक्री के बाद गाँव का नक्शा भी अपडेट कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद प्लॉट का नक्शा शुद्धि पत्र के साथ अटैच कर जारी कर दिया जाएगा। हर जमीन की चौहद्दी के बारे में भी पूरी जानकारी होगी।
यूनिवर्सिटीज में गड़बड़ी को लेकर नीतीश सरकार ने सख्त कदम उठाया, अब एजी की तरफ से होगा ऑडिट। बिहार के विश्वविद्यालयों में वित्तीय गड़बड़ी और अन्य तरह की अनियमितता को लेकर सरकार और राजभवन इस वक्त आमने सामने है। राज्यपाल फागू चौहान की शिकायत सरकार की तरफ से दिल्ली तक जा चुकी है। खुद राज्यपाल फागू चौहान दिल्ली का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। राज्य के विश्वविद्यालयों में वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ी शिकायतें और अन्य तरह की अनियमितताओं को देखते हुए अब नकेल कसनी शुरू कर दी गई है। इन सभी विश्वविद्यालयों की वित्तीय गड़बड़ियों की समीक्षा का जिम्मा महालेखाकार यानी कि एजी को दिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से एजी को पत्र लिखा गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सोमवार को महालेखाकार बिहार को पत्र भेजकर उनसे ऑडिट कराने का आग्रह किया है। सदर अस्पताल में ब्लड बैंक की बड़ी लापरवाही, प्रसूता को चढ़ा दिया गया एचआईवी पॉजिटिव खून। बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में ब्लड बैंक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रसूति महिला को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाए जाने का मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल अधीक्षक ने ब्लड बैंक के टेक्नीशियन से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं सिविल सर्जन ने जाँच के लिए 3 सदस्यीय जाँच कमेटी का गठन भी किया है। गौरतलब है कि एचआईवी पॉजिटिव महिला प्रसव के लिए सदर अस्पताल आई थी। प्रसव के दौरान महिला को 1 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ी, इसके लिए ब्लड बैंक से खून लिया गया। ब्लड बैंक से खून लेने के बदले पति ने 1 यूनिट खून डोनेट किया था, जिसके बाद उसका खून ब्लड बैंक में रख दिया गया। ब्लड डोनेट करने से पहले इस शख्स ने खुद के एचआईवी पॉजिटिव होने की बात छुपा ली थी। एचआईवी पॉजिटिव खून को ब्लड बैंक में रखा गया और इसी खून को दूसरी महिला को चढ़ा दिया गया। बिहार में झटका देगी बिजली, नए साल में कीमतों में 10% तक इजाफे की संभावना। बिहार में महंगाई की मार झेल रहे लोगों को अब बिजली का झटका लग सकता है। बिहार में बिजली की दरें पहले से ज्यादा महंगी हो सकती है। नए साल में 10% तक बिजली महंगी हो सकती है। बिजली कंपनियों की तरफ से सोमवार को बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सामने सौंपी गई याचिका में सभी श्रेणी की बिजली दरें 10% तक वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग इस याचिका पर जनसुनवाई के बाद नई दर तय करेगा, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा। बिहार में फिर बढ़ सकती है दवाओं की कीमत, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने दिए संकेत, आम जनता पर पड़ेगा इसका सीधा असर। बिहार में आम जनता के इलाज पर महंगाई की मार एक बार फिर से पड़ सकती है। पिछले साल की तुलना में पहले से ही दवाइयां 10-40% महंगी बाजार में मिल रही है। अब एक बार फिर से दवाइयों की कीमत बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं IMA चाइना से आने वाले कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि को इसका कारण माना जा रहा है। IMA बिहार के प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि चाइना से संबंध खराब होना भी इसके पीछे की एक वजह है। इसके अलावा कोविड के दौर में लेबर की कमी और पैकेजिंग कॉस्ट में वृद्धि की वजह से दवा की कीमतों में वृद्धि हुई है। बिहार में मंदिर और मठों की जमीन अब राष्ट्रीय संपत्ति होगी, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में मंदिर और मठों की जमीन को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के मठों और मंदिरों की 29,500 एकड़ जमीन को अब राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की तैयारी है। बता दें कि अवैध कब्जे वाले मठ और मंदिरों की जमीन को सरकार अतिक्रमण मुक्त कराएगी और उसे सरकारी संपत्ति का टैग दिया जाएगा। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और विधि विभाग ने संयुक्त रूप से यह फैसला किया है। मंगलवार को इन दोनों विभागों के साथ बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला किया गया है कि मठ और मंदिरों की 29,500 एकड़ जमीन को राष्ट्रीय संपत्ति यानी कि लोक भूमि घोषित किया जाए। बिहार में लेक्चरर भर्ती के लिए इंटरव्यू 7 दिसंबर से BPSC ने जारी किया शेड्यूल। बिहार लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर भर्ती 2016 परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है। BPSC के नोटिस के अनुसार अलग अलग विषयों के लेक्चर पद के लिए इंटरव्यू 7 दिसंबर से 16 दिसंबर 2021 तक होगा। लेक्चरर भर्ती 2016 की परीक्षा में पास हुए उम्मीदवार BPSC की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर इंटरव्यू शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार 7 दिसंबर 2021 को हिंदी विषय के इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। आखिरी में सामाजिक विज्ञान के लिए 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू का आयोजन विषयों के हिसाब से 2 पालियों में होगा। पहली पाली सुबह 10:30 बजे से और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शुरू होगी। BPSC लेक्चरर भर्ती 2016 के इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड 1 सप्ताह पूर्व जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। लेक्चरर भर्ती इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड डाक के जरिए घर पर नहीं भेजे जाएंगे।
तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।